भाई साहब, अभी अभी जो डांस ट्रूप डांस कर रहा था वो कहाँ है? ग्रीन रूम में। भाई साहब, ग्रीन रूम कहाँ है? इस तरफ। यस, क्या बात है? वो डांस ट्रूप जो आया था, उसके डांसर्स कहाँ हैं? वो तो चले गए। कविता, तुम अचानक कहाँ चली गई थी? फिरेन, वो लड़की जो डांस कर रही थी, उसे ढूंढने चली गई थी। उसकी शक्ल बिल्कुल हमारी वेदिका जैसी है। कविता, वो वेदिका जैसी है, वेदिका नहीं है। लेकिन वीरेन, मैं कमानो, लेट्स गो, कम। ड्राइवर, राइट में ले लो। क्यों? राइट क्यों? मेंटल असाइलम जाना है। हाय, तुम कौन हो? तुम क्या मेरी फ्रेंड हो क्या? थैंक यू। तुम मेरे साथ बॉल बॉल खेलोगी? मैं सिखाऊं तुम्हें? देखो, अगर तुम ढंग से नहीं खेलोगी ना, तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। सच्ची? ओके, स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट। 1, 2, 3, पकड़ो। अरे क्या यार, पकड़ा भी नहीं। अब मैं खिलाऊंगी ना तो अजीत रखेंगे, नहीं तो मैं बहुत मारूंगी। 1 more time, हाँ पकड़ो ना। देख रहे हैं आप, अपनी ही दुनिया में हंस लेती है, अपनी ही दुनिया में रो लेती है। डॉक्टर्स कहते हैं ध्रुव का इलाज वेदिका है, लेकिन इसे तो खुद ही इलाज की जरूरत है। ये क्या कर पाएगी ध्रुव के लिए? हमें ही कुछ करना होगा। कविता, ये क्या? ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं। ध्रुव की हालत देखी है आपने? वेदिका के लिए उसकी तड़प का अंदाजा है आपको? He needs वेदिका। Yes, he needs वेदिका। उसको वेदिका की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी चेहरे को वेदिका का नाम दे दिया जाए। किसी भी चेहरे को नहीं, सिर्फ उस चेहरे को जो हूबहू वेदिका जैसे दिखता है, उस चेहरे को। चेहरा होने का मतलब ये नहीं है किसी भी हैरी करी लड़की को हम अपनी वेदिका मान लें और उसे इस घर में ले आए। क्यों नहीं ला सकते? अगर उसे वेदिका बनाकर ध्रुव की जिंदगी को हम तुम्हारे ये अपने तर्क
अपनी ये दलील है, अपनी ये जिद। नो कविता, ऐसा नहीं होगा। वीरेन, ये अपने बेटे की जिंदगी। नो, तुम्हारी ये बेतुकी बातें सुनने के लिए भी मैं तैयार नहीं। माइंड इट, ऐसा नहीं होगा। I mean it. And I also mean it. आप चाहे माने या ना माने, आप मेरा साथ दे या ना दे, मैं वही करूंगी जो मेरे बेटे के लिए ठीक है। और इस वक्त मुझे ध्रुव की जिंदगी के बारे में सोचना है, सिर्फ ध्रुव की जिंदगी के बारे में। ले पुत्तर, एक और कप चाय पी ले। तेरी किस्मत के बारे में सोच सोच कर तो मेरी डेथ ही हो जाती है। मेरा बेचारा एक को एक पुत्तर के इस खानदान का मुनीम न बन के रह जाए। हाय, किस्मत तो रब ने राहुल को दी है। शक्ल तो ठीक ठाक ही है, पर अक्ल कमाल की है उसकी। देख, बैठे बिठाए रायजादा खानदान का जुआई बन गया है। नहीं मां, मैं तो कहूंगा कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। अगर वो अकल वाला होता ना तो उसे मौके का फायदा उठाना भी आता। मॉम दे पुत्र, तू कहना क्या चाह रहा है, साफ साफ बता। देखो मॉम, तारा से शादी करके उसके हाथ खजाना तो लग ही गया। हाँ। लेकिन बेचारा इश्क में पड़ा हुआ है निहारिका के, और जिस दिन ये सच्चाई सबके सामने आ गई तो धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। वो तो है। और उसके बाद करोड़पति से रोड़पति हो जाएगा। और जिस तरह बेहिचक खुल्लम खुल्ला एक दूसरे से लोग मिलते हैं तो देखना, बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे ये लोग। नहीं पुत्र, मुझे तो लगता है ये राहुल निहारिका के साथ जल्दी उड़न छूने वाला है। पागल होगा अगर वो ऐसा करेगा तो। मॉम, अगर वो निहारिका के साथ भाग भी गया तो उसके हाथ क्या लगेगा? निहारिका के कुछ गहने और वो फालतू शेयर्स वगैरह और क्या। हाँ, तू सच कह रहे पुत्र, ये तो वही बात हुई। इतने बड़े समुंदर के आगे खड़े होकर एक बूंद खारे पानी से तसल्ली कर लो। एग्जैक्टली। क्या पता समुंदर में डुबकी लगाएगा तो हीरे मोती वाला खजाना मिल जाए। हैं? पर सानू की दफा कर उसको। तू तो कर अपनी मुनीम गरी। 2+2=15। मॉम। चल। पुत्र, तुझे क्या लगता है? हमारी बातें उसके कानों में पड़ी होंगी? Of course, मॉम। बस अब आप देखती जाइए। उसके अकल के घोड़े किस तरह बेलगाम होकर दौड़ते हैं। तकड़ 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 तकड़। पापा, मैं कम इन। ओ, और बोलो, कम। आपने मुझे बुलाया था कोई खास काम? बेटा, आज तुम्हें एक हक देना है। इसे हक भी कह सकते हो और जिम्मेदारी भी। मैं अब से चेक साइन करने की अथॉरिटी तुम्हें भी दी जाती है। पापा, ये इस कंपनी में जो हक अंतरिक्ष और ध्रुव के हैं अब से तुम्हारे भी होंगे। थैंक यू पापा, आपने मुझे इस जिम्मेदारी के काबिल समझा। राहुल, तुम्हें हमने अपने दिल का टुकड़ा दिया है। तारा, तुम्हें अपनी बेटी देकर हमने बेटा पा लिया है। बेटा, हमारी कंपनी के करंट अकाउंट में रफली 25 करोड़ हैं। ये लिस्ट है उन कंपनीज की जहां से हमें पेमेंट आनी है। ओके। और ये उन लोगों की लिस्ट है जिन्हें हमें पेमेंट करनी है। ओके, ठीक है। इनके चेक्स आज ही चले जाने चाहिए विद योर सिग्नेचर्स। ऑफ कोर्स पापा, थैंक्स अगेन पापा फॉर ट्रस्टिंग मी। ऑल द बेस्ट। मैं तो कहूंगा कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। अगर वो अकल वाला होता ना तो उसे मौके का फायदा उठाना भी आता।
मॉम, अगर वो निहारिका के साथ भाग भी गया तो उसके हाथ क्या लगेगा? निहारिका के कुछ गहने और वो फालतू शेयर्स वगैरह। और मिस्टर गायकवाड, आई नीड योर हेल्प। बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वो कल आपके क्लब में जो डांस कर रहे थे, बहुत अच्छा डांस था। इनफैक्ट आपका फंक्शन ही बहुत वेल प्लान्ड था। वो जो डांस ट्रूप था, उनका कोई एड्रेस या टेलीफोन नंबर होगा आपके पास? मिसेज रायज़ादा, इनफैक्ट ये सारा अरेंजमेंट मेरे मैनेजर ने किया था। इन सारी बातों के बारे में उसे ही पता होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप अपने मैनेजर से पूछ सकते हैं। जरूर पूछिएगा मिसेज रायज़ादा, लेकिन मेरा मैनेजर आज से एक हफ्ते की छुट्टी पर गया है। देखिए भाई साहब, आपका ही कल आदमी ने मेरे को बोला कि शो के बाद आपको एडवांस मिल जाएगा। अभी बोलता है कि 4-5 दिन बाद मिलेगा। ये तो गलत है ना? बोलता है मैंने छुट्टी पे गया। अरे मेरे को क्यों छुट्टी पे भेज रहा है? मेरा रोजी रोटी ना साहब, ये नाच गाने के ऊपर चलता है। मेरे को मेरा पैसा तो मैं जाएगा। मगर मेरी बात तो सुनिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे को पैसा दिलवा दो, मैं जाता हूं यहां से। वो कल जो डांस कर रहे थे, वो ग्रुप आपका है? हां मैडम, मेरा माधव डांस ग्रुप। हम लोग सारे लेटेस्ट गाने पे डांस करवाते हैं। अच्छा अच्छा, वो जो लड़की डांस कर रही थी ब्लू और रेड कपड़े पहन के, वो लाली की बात कर रहे हैं आप? लाली मैम साहब, लाली हमारी ग्रुप की एकदम कमाल की डांसर है मैम साहब। मैं उसे मिलना चाहती हूँ, प्लीज आज अभी। मॉम, क्या सोच रही हैं आप? और सोचते सोचते ऐसे मुस्कुरा भी रही हैं, आखिर बात क्या है? अरे पुत्र, आज मैं बड़ी खुश हूँ ना, इसीलिए। खुश? लेकिन क्यों मॉम? मेरे दिल पर जो 500 किलो का भार था ना, आज वो उठ गया है। कैसा भार? मॉम, द पुत्र रोकर मॉम के दिल की बात नहीं समझता? आज मैं तुझे समझाती हूँ। लेकिन पुत्र, यहाँ आसपास कोई है तो नहीं? नहीं, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। पुत्र, दीवारों के भी कान होते हैं। मॉम, दीवारों के कान हुआ तो क्या हुआ? दीवारों की जुबान थोड़ी होती है जो वो किसी को कुछ बताएंगे। आप बोलिए। तुझे तो पता है मैं तारा और राहुल की शादी को लेकर कितना परेशान थी, लेकिन अब लगता है डरने की कोई बात नहीं है। अब सब कुछ फिट एंड फाइन हो गया है। फिट एंड फाइन? लेकिन कैसे मॉम? राहुल और निहारिका का अफेयर तो अभी तक ऑन एयर है। ओहो, अफेयर अफेयर होता है और बीवी बीवी। मैंने ऐसी धूप अपने बाल सफेद नहीं, नहीं सफेद नहीं। लेकिन पुत्र, मैंने जो तारा की आंखों में खुशी का रंग देखा है ना, उसे देखकर मुझे पक्का यकीन हो गया है कि वो राहुल के साथ बहुत ही ज्यादा खुश है। अरे राहुल का क्या है, एक तरफ बीवी है एक तरफ प्रेमिका, भाई उसकी तो डबल ऐश है। लेकिन देख लेना, जिस दिन तारा और निहारिका में से किसी एक को चुनने की बात आई ना, तो वो जरूर तारा को ही चुनेगा। तारा के साथ रहेगा तो इज्जत के साथ साथ उसे करोड़ों की दौलत भी तो मिलेगी फ्री में। ओह, तो अब मैं समझा। मतलब निहारिका के साथ प्यार का नाटक भी करेगा और तारा के साथ पति का धर्म भी निभाएगा। रियली मॉम, आप बिल्कुल ठीक कहती थी। चालाक दिमाग और अच्छी किस्मत दोनों है राहुल के पास। पागल तो बेचारी निहारिका बन रही है। राहुल पागल बना रहा है उसे। लेकिन सानू की दफा कर इस बात को, हमें कोई कमीशन थोड़ी ना मिलनी है। चल इसी बात पे खीर बना के खिलाते हैं। हाँ? आ जा। बस बस मैडम, अपन को एक्चुअली यहाँ से पैदल चल के जाना पड़ेगा क्योंकि घर पास ही में है, गाड़ी वहां जा नहीं सकती। हाँ आइए। पुराना गली है तो थोड़ा आवाज ज्यादा आता है। पुराना चाल है, इधर ही आइए। लाली इधर ही होगी, ताला लगा के इधर ही गई है। ए जाना, किसी और को डरा, समझा ना? लाली डरने वाली नहीं है, समझा? चल चल, तू क्या कोई बिल्डर का साला है क्या? अपुन की खोली से अपुन को सटकर है। देख मेरी खोली है अली, मैं इसे किसी को भी किराए पर दे सकता हूँ, तुझे क्या? ए
अपन तेरा सड़ियल 6x8 कुली में मुफ्त में नहीं रहता है। महीने का किराया सिर्फ मुंह पे फेंकता है अपन। क्या नया लफड़ा है? हाँ लफड़ा ये है कि मैं अपनी इस खोली को किसी शरीफ आदमी को किराए पर देना चाहता हूँ, तेरी ऐसी नाचने वाली को नहीं। साला क्या बोला? नाचने वाली बोला अपन को? अपन नाचता तो तेरे बाप का क्या चाहता है? मेहनत करता है अपन, मेहनत। और समझ ले अपन को अपना इज्जत बहुत प्यारा है और तेरी खोली में आज सब इज्जत वाली लड़की रहती है, समझा? देख मैंने किसी को जुबान दे रखी है। जुबान दे रखी है साला हल्का चकोट भी करती है ना तेरा जुबान आजकल। हाँ हाँ बोल बोल क्या बोल रहा था? बोल बोल मार रहा है किसको? क्या बोल रहा था? बोल देख मेरे बिल सुन बात। आज अपन इसको खलासी कर जाएगा। क्या लाना करता है? रोज नया झमेला लेके आता है। लफड़ा होएगा जाने दे। ए समझ लेना लाली तुझसे डरती नहीं है। साला हल्का कहीं का खाली ठंडा रखना दिमाग को, जरा ठंडा रखना। क्या रे सच्चे हाथ अपना मूड का बैंड बजा दिया। बोल क्या काम है? वो मुझे तुमसे ए है सोसाइटी क्या मैं कर रही है? बोल मुझे तुमसे जरा काम है जिसमें मेरा भी फायदा है और तुम्हारा भी।